चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए। हुई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए। नमस्कार, मेरा नाम है अपराजिता पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं हजारीबाग अपडेट्स। गीत की शुरुआत से आपको समझ आ गया होगा कि छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। कल से नहाए खाए की शुरुआत के साथ इन चार दिनों का जो महापर्व है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कल नहाए खाए, जिसको कद्दू भात भी कई लोग कहते हैं, और उसके बाद फिर खड़ना होगा दूसरे दिन, और तीसरे दिन यानी 19 तारीख को कहते हैं डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाएगा, और उसके साथ ही छठ महापर्व का वो पहला अर्घ्य का दिन होगा, और जो अंतिम दिन होगा 20 तारीख को उगते हुए सूर्य की उपासना की जाएगी, उनको अर्घ्य दिया जाएगा। साथ ही साथ सूर्य देवता के साथ साथ शिव जी की भी पूजा आराधना और छठी मैया की भी पूजा आराधना लोग करते हैं। हजारीबाग की फिलहाल अगर बात की जाए तो हजारीबाग में भी छठ घाट सज धज कर तैयार हो चुके हैं। जो व्रतियां हैं, जो व्रत करते हैं या जो उनके साथ उनके परिवारजन रहते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए जितने भी समाज सेवी हैं वो भी उभर कर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और युवा भी पीछे नहीं है इसमें। सब कोई सम्मिलित रूप से इस पर्व को, और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोग इस पर्व को अच्छे से मनाने के लिए जो व्रती होते हैं उनका सहयोग के लिए कहीं किसी कदम पीछे नहीं रहते हैं। 17 नवंबर यानी कि कल से छठ महापर्व की शुरुआत होने जा रही है, जो 20 तारीख यानी 20 नवंबर को पूरे 36 घंटे का व्रत रखेंगी व्रतियाँ। जो भी व्रती होंगे 36 घंटे तक व्रत रखेंगे, और 20 तारीख को वो लोग पारण कर लेंगे, अपना व्रत जो है वो तोड़ देंगे, और छठ महापर्व का जो है अंतिम दिन होगा 20 दिन। जो भी पूरे कल नहाए खाए से शुरुआत पर्व की होगी, हम लोग कोशिश करेंगे, हजारीबाग अपडेट्स की पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपको छठ घाट 19 तारीख और 20 तारीख तो लेकर जाए ही अपने कैमरे की नज़र से। साथ ही साथ कल की जो प्रक्रिया होगी 17 नवंबर की और 18 नवंबर की जो खड़ना के दिन की प्रक्रिया होगी वो भी कोशिश करेंगे आप लोगों तक लाइव पहुँचाने की। इसी के साथ अब इजाज़त दें और हजारीबाग अपडेट्स को हर जगह अपना प्यार देते रहें। जो भी लोग हम लोगों को YouTube पे देख रहे हैं YouTube पे सब्सक्राइब कर लें और जाकर Facebook पे भी फॉलो कर लें। हम लोग Instagram में भी आ चुके हैं और लगभग एक मिनट के वीडियो में आपको कुछ रोमांचक दिखाने का प्रयास लगातार जारी रहता है, जारी रहेगा। शुक्रिया, मैं अपराजिता।